प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर समझने में बेहद इंटरेस्टिंग है और आपको जब ये चैप्टर खत्म होगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा, एकदम रट जाएगा और दिमाग में भी इतना बढ़िया से फिट हो जाएगा कि आप कहोगे वाह बहुत बढ़िया चैप्टर था और सर ने बहुत अच्छा समझाया। तो चैप्टर शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। न्यू चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला टॉपिक आता है वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये इसका सबसे पहला टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में दो बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुने। वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जाहिर सी बात है वार्नर ने भी इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल समझे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा K4Fe CN6। इस कंपाउंड को अगर आप देखें जिसमें बड़ा ब्रैकेट लगा हो, है ना, उसी ऐसे कंपाउंड जिसमें बड़ा ब्रैकेट हो वही है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पक्की पहचान है बड़ा ब्रैकेट आएगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बड़ा ब्रैकेट आ रहा है या नहीं? और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें बड़ा ब्रैकेट आएगा और जो ब्रैकेट के अंदर है वो चीज पहले कहलाती है सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहलाती है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन। उसके बाद जो चीज होती है वो कहलाती है लिगेंड, जिसका काम होता है लिगेंड का सेंट्रल मेटल एटम को लॉन पेयर देना। तो लिगेंड क्या है? लॉन पेयर प्रोवाइडर। लिगेंड कितने हैं? 6। लिगेंड की संख्या कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर C.N। सी फॉर कोऑर्डिनेशन, एन फॉर नंबर। जो ब्रैकेट के बाहर है वो चीज कहलाती है प्राइमरी वैलेंसी। जो ब्रैकेट के बाहर है वो प्राइमरी वैलेंसी, यानी कि पोटेशियम और आयरन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसका नाम है प्राइमरी वैलेंसी। क्या नाम है? प्राइमरी। और जो आयरन और सीएन के बीच में बॉन्ड बनेगा ये कहलाएगा सेकेंडरी वैलेंसी। असली में प्राइमरी वैलेंसी आयनिक बॉन्ड है और सेकेंडरी वैलेंसी असली में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। प्राइमरी वैलेंसी असली में आयनिक बॉन्ड है और सेकेंडरी वैलेंसी असली में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो दोबारा समझें, बड़ा ब्रैकेट लगा है इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो सबसे पहले लिखा है वो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है। उसके बाद जो लिखा है वो लिगेंड है। लिगेंड की संख्या ये नंबर 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब लिगेंड की संख्या। लिगेंड लॉन पेयर प्रोवाइडर है। लिगेंड का काम होता है लॉन पेयर देना और बाहर वाली चीज और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो प्राइमरी वैलेंसी है जो कि असली में आयनिक बॉन्ड है, और मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो सेकेंडरी वैलेंसी है जो कि असली में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ठीक, पूरी बात समझ में आ गई या नहीं? तो एक बार पूरी बात अगर समझ में आ गई है तो ध्यान से एक बार दोबारा समझें, ये मिटा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो कि सर ने क्या क्या बताया। एक बार अब आप बोलते जाएंगे। पहली बात बताओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान बाहर क्या आएगा? प्राइमरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान बड़ा ब्रैकेट आना। क्या पहचान है? बड़ा ब्रैकेट आना, लार्ज ब्रैकेट। लार्ज ब्रैकेट में जो सबसे पहले है वो क्या है? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। उसके बाद जो है वो क्या है? लिगेंड। क्या है? लिगेंड। इसका काम क्या है? लॉन पेयर देना। लिगेंड की संख्या क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जो ब्रैकेट के बाहर है वो चीज मेटल से बनाएगी आयनिक बॉन्ड, जिसे बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। मेटल लिगेंड से बनाएगा सेकेंडरी वैलेंसी जो असली में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के इक्विवेलेंट है। अब आता है वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या है।
बट अब वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में मिस्टर वार्नर ने चार पॉइंट कहे हैं, है ना। पहला पॉइंट क्या क्या है? पहला पॉइंट ये कहा है कि सेंट्रल मेटल एटम दो टाइप की वैलेंसी दिखाता है, सेंट्रल मेटल एटम दो टाइप की वैलेंसी दिखाता है जिनके नाम है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरे पॉइंट में वो कहता है सेंट्रल मेटल एटम अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। सेंट्रल मेटल एटम अपनी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है, ठीक। तीसरे पॉइंट में वो कहता है सेकेंडरी वैलेंसी की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, सेकेंडरी वैलेंसी की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है और वो ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की शेप के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। शेप के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम ज्योमेट्री, किसको यूज करते हैं? ज्योमेट्री। और चौथे पॉइंट पे उन्होंने कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी अनब्रेकेबल होती है यानी कि नॉन आयोनाइजेबल होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी ब्रेक हो जाती है यानी कि आयोनाइजेबल होती है। रिपीट, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल है, ब्रेक नहीं होती है, प्राइमरी वैलेंसी ब्रेक होती है। जैसे आप यही कंपाउंड है अगर आप इसे मौका दें टूटने का तो ये बनाएगा 4K प्लस FeCN6 4 नेगेटिव। आप साफ देख पा रहे हैं आयरन का साथ पोटेशियम छोड़ गया, प्राइमरी वैलेंसी उससे अलग हो गई, डिटैच हो गई, अलग हो गई, लेकिन आयरन का साथ CN ने नहीं छोड़ा, तो सेकेंडरी वैलेंसी ने साथ नहीं छोड़ा, प्राइमरी वैलेंसी ने साथ छोड़ दिया। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसी है? आयोनाइजेबल। क्या है? आयोनाइजेबल। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कैसी है? नॉन आयोनाइजेबल, यानी वो आपका साथ छोड़ेगी नहीं। तो टोटल मिला के कितने पॉइंट गए? एक एक करके देख लेते हैं, ये हटा रहे हैं। आप कहोगे कितने पॉइंट गए सर, एक बार समझा दीजिए ध्यान से अच्छे से। तो देखो पहले पॉइंट में कहा मेटल एटम दो टाइप की वैलेंसी दिखाता है, कौन कौन सी? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी है और सेकेंडरी वैलेंसी है। दूसरे पॉइंट में क्या कहा? मेटल दोनों को सेटिस्फाई करना चाहता है, प्राइमरी को भी सेटिस्फाई करना चाहता है, सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई करना चाहता है, दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहता है। सेटिस्फाई की हिंदी होती है संतुष्ट। जैसे आपकी दो औलादे हो, दो बेटे हो, या एक बेटा बेटी हो, या दोनों बेटियां हो, तो आपकी इच्छा क्या होगी? दोनों ही बच्चे मुझसे सेटिस्फाइड रहे, दोनों ही बच्चों को लगे कि पापा अच्छे हैं, उन्हें ये ना लगे कि पापा एक की तरफ झुके और एक को प्यार नहीं करते हैं, है ना। तो दोनों को सेटिस्फाई करना आपका काम है। तीसरा, मेटल एटम में मैंने बताया जो सेकेंडरी वैलेंसी है इनका नंबर, इनकी संख्या कहलाती है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर ही शेप या ज्योमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? शेप के लिए या ज्योमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और चौथी बात क्या बताई? बताओ चौथी बात क्या बताई मैंने आपको? प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो टूट सकती है यानी कि आयोनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी जबकि प्राइमरी वैलेंसी आपका साथ छोड़ जाएगी। तो बच्चों ये टॉपिक था वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी और इसमें कितने पॉइंट है? चार। चारों पॉइंट समझ में आ गए? अब उन चारों पॉइंट को थोड़ा सा इंग्लिश में बोल लो जिससे आपको याद हो जाए। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है बोलो? मेटल एटम शो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। दूसरा पॉइंट, मेटल एटम हैव टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। हिंदी में मेटल एटम अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को संतुष्ट करना चाहता है। तीसरा पॉइंट, द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। शेप को ज्योमेट्री भी कह सकते हैं,
हिंदी में क्या हुआ, सेकेंडरी वैलेंसी की संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है और यही शेप या ज्योमेट्री के लिए उत्तरदायी है। चौथा पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल बट सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। इसका हिंदी अनुवाद, प्राइमरी वैलेंसी तो ब्रेक हो सकती है लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी कभी ब्रेक नहीं होती है। ये सारे पॉइंट को मिलाकर क्या बोलते हैं, वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। आप देख पा रहे हैं मैं सामने से हट गया हूं, आप सारी चीजें पढ़ पा रहे हैं, उम्मीद है ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, रट गए होंगे, है ना। बोर्ड एग्जाम में आया तो खटाखट लिख देना। ये वीडियो कैसा लगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फर्स्ट वीडियो था, उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।